दिस वीडियो इज गाइड टू गिलियाद। आज आपका भाई सिर्फ आपका भाई नहीं बल्कि आपका गाइड भी है। मैं आया हूँ मुश्कपुरी टॉप। अब आपका भाई मुश्कपुरी टॉप आया और गाइड ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? सुबह सुबह सामान लेकर अड्डे पहुंचो, एबटाबाद का टिकट कटाओ और निकलने की करो। देखो लेट बिल्कुल मत होना वरना रास्ते के सारे सीन तुमसे मिस हो जाने अगर तुम लेट निकलोगे। मतलब फ्री की एडवाइस है, लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो जाने दो। Yo, essentially, sentimentally, we were meant to be. Ending and sending me to break up and the entities. Demons between the fiends fleeing frantically. Whatever it's sent for me, killing. अब एबटाबाद पहुंचते ही गाड़ी पकड़ो और ड्राइवर को बोलो एक्सीलेटर दबा दे। हरनोई से दिलकश मनाजिर शुरू हो जाएंगे बट यहाँ से तो अभी रास्ता शुरू होता है गली यार का। ये वाला गाना चेंज करो, ये वाला लगाओ और यादें ताजा ना हुई तो पैसे वापस। जितना ऊपर जाते जाओगे तुम्हें सर्दी की शिद्दत का एहसास होता जाएगा। गर्म कपड़े रख लेना। देखो जब मैं कह रहा हूँ ना तो रख लो। यार बहुत सर्दी है। अब तुम पहुंच गए हो तो थक चुके होगे, भूख भी लगी होगी, तो सीधा होटल में चेक इन करो, फ्रेश हो और निकलो खाने के लिए। भूख से बुरा हाल है और उसकी एक वजह ये है कि मुझे होती है मोशन सिकनेस। सही है, इसलिए मैं ट्रैवलिंग से पहले खाना नहीं खा सकता, इसलिए मैं पूरा दिन का भूखा था और अब पहली फुर्सत में ही हम आए हैं रेस्टोरेंट। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सलाम ही कर दें सर। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो खाने के बाद ग्रीन टी पी जाती है पर सर्दी के मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि चाय पी जाएगी। पेशावर में तो मैं चाय इतनी खास पीता नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर ठंड इतनी है कि यहाँ पर चाय पीना बनता है, तो अभी चाय पीते हैं। ये जो ठंड है ना ये इसका मजा दोबारा दे रही है। सोने पे सुहाग। उर्दू क्या उर्दू है भाई? चाय पी ली अब सोने की करो क्योंकि सुबह एक्सप्लोरिंग गेम शुरू होगी, पर एक्सप्लोर करने के लिए सुबह जल्दी उठना इज रियली इम्पोर्टेंट। 6:30 इन द मॉर्निंग और मैंने युवास को भी उठा लिया क्योंकि जाहिर ही बात है आप इतना दूर सोने थोड़ी आते हैं आप। खैर ये हमारे होटल से यहाँ का व्यू चेक करें। सात बजे और सारे सो रहे हैं बट हम पागलों की तरह निकले हुए अपने होटल से। क्यों? क्योंकि सोना इज लाइक वेरी मेन स्ट्रीम। सोते तो आप रोज हो। आज हम एक्सप्लोर करें। आप चाहें ना तो आप ऊपर से भी आ सकते हैं। मुझे पता है कि ऊपर से आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चिल करो, हमारे पास युवास भाई हैं जिनके पास ड्रोन है। युवास भाई हाँ जी उड़ाओ फिर। कैसी है? नो लिफ्ट नहीं मिली, कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना, अपना टाइम आएगा। अब तुम सिर्फ क्या एक्सप्लोर ही करते रहोगे? नाश्ता कर लो। अपने दिन की आगाज करें नाश्ते के साथ और वो भी वसीम भाई। अंडे पराठे चने चाय लस्सी। आपका नाश्ता जा रहा है? पराठे भी चने भी चाय भी लस्सी भी। चलो नाश्ता इज इम्पोर्टेंट। नाश्ता इज वेरी इम्पोर्टेंट। नाश्ता
नाश्ता करते ही होटल वापस जाओ और फ्रेश होकर वापस निकलो, क्योंकि जावेद चाचा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। घोड़ा निकालो फिर। हाँ जी। देखो भाई मेरी बात सुनो, हो गए तुम बहुत बड़े हॉर्स राइडर, पर एक चीज का ख्याल करना कि कैमरा ना गिर जाए, बाकी हमारी खैर नहीं करता। यहाँ पर चढ़ाइयाँ थी और कुछ ऐसी जगहें भी आई जो मतलब ऊपड़ खापड़ थी, जो लाइक प्रॉपर रोड नहीं था, ग्रास और पत्थरों के बीच में से घोड़ा ले जा रहा था। उधर युवास को काफी डर लग रहा था, उधर हो सकता था हम स्लीप भी हो जाते, लेकिन नहीं। अब तुम चाहो तो वापस होटल जाकर रेस्ट भी कर सकते हो, बट मैं तो यही कहूंगा कि तुम अब पहुंचो अयोध्या के ट्रैक की जाने। 4 किलोमीटर का ट्रैक है, पानी की बॉटल और चॉकलेट तो रख लेना, मस्ट। यार अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं और आयतुल कुर्सी पढ़ के कोई हम पर अटैक ना कर दे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपके सिमरन, आप बंदरों को बुला रहे हैं? सिमरन आवाज रिपीट क्यों नहीं हो रही भैया? ये अपने बंदर को बुलाना चाह रहे हैं जो जिसका नाम सिमरन था। किस बंदर का नाम है? क्यों नहीं हो सकता? युवास वो तो इधर है। ओए बंदर। मैंने बोला था ना कि जरूरत पड़ेगी। ट्रैक के थ्रू जा रहे हो तो थोड़ा थक जाओगे, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। किसी चीते ने मुझ पर जंप मारी ना तो आज चीतों के घर हमजा भाई की तिक्का पार्टी हो जाएगी। बोला था ना प्यास लगेगी। देखो यार अब तुम अयोध्या पहुंच गए हो तो अयोध्या की खास बात यह है कि अयोध्या की चेयरलिफ्ट बहुत मशहूर है। पर अगर तुम्हारा दोस्त चेयरलिफ्ट पे बैठने से डरता है तो फिर क्या किया जा सकता है? वैसे दिल तो मेरा बहुत कर रहा था कि मैं चेयरलिफ्ट पर बैठूं और एक वक्त के लिए मैंने सोचा कि यार जाकर बैठ जाऊंगा बस, बट फिर हमने दोस्त की खातिर अपने दिल को समझा लिया कि आज नहीं फिर कभी। इतना चल के आए हो तो भूख तो लाजमन लगी होगी, फिर खाना गाओ और गाड़ी पकड़ कर रात के पहले पहले होटल वापस पहुंचो। आई नो अब तुम थके होगे, चाय पी लो, थोड़ी थकन दूर हो जाएगी और आराम से सो जाओ क्योंकि सुबह अब हम नथिया गली जाएंगे। सुबह उठते ही पहुंचो नथिया गली। तो अभी हम लोग हैं नथिया गली में और नथिया गली की खास बात यह है कि नथिया गली का जो बाजार है वो सबसे फेमस जगह है यहाँ की। बाजार के साथ साथ और भी बहुत चीजें हैं। और इधर के दिलकश मनाजिर, तबाही ब्रो तबाही। एक्सप्लोर करते करते यू विल रियलाइज यू मस्ट नीड स्टैमिना, ये जगह बहुत थका देती है। I know I'm exhausted, but this is के लिए हम आए हैं ना, it's really worth it. तुम्हारी दोस्ती भी हो सकती है, मिलिए इनसे। इसका नाम नमीर है, हमारे पठान भाई हैं ये, और ये एहसानुल्लाह साहब उर्फ कारी। ये दोनों उस होटल में काम करते हैं जिधर हम स्टे कर रहे हैं। ए बुलबुल तू किसके बाग में जा बैठी, न घर अपना न बाग अपना, तू किससे दिल लगा बैठी। वाह वाह वाह, चाय कब से पी जाती है ओंठों से नहीं। वाह 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 वाह, चाय कब से पी जाती है ओंठों से नहीं, मोहब्बत दिल से की जाती है नोटों से नहीं। यहाँ पर बीट ड्रॉप। अभी तुम पेट भर कर खाना खा लो क्योंकि अब आने वाला है तुम्हारी ट्रिप का सबसे मुश्किल और सबसे बेस्ट पार्ट। ये दो नाकाम आशिक मेरे साथ, युवास नमीर कारी और मैंने डिसाइड किया कि हम मशपूरी पीक जाएंगे। ट्रस्ट मी अगर तुम वहाँ नहीं गए तो मतलब कहीं नहीं गए।
3.2 किलोमीटर का ट्रैक है। मैंने सुना था कि अयूबिया के ट्रैक पर थोड़ा सा आगे जाओ ना तो स्टैमिना जो है वो जवाब दे देता है। मुशपुरी ट्रैक इज 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन द ट्रैक टू अयूबिया। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अयूबिया इज इक्वल टू बिगिनर मोड, मुशपुरी इज इक्वल टू हार्ड मोड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि जितना रास्ता मुश्किल उतनी ही मंजिल खूबसूरत। सही कहते हैं। Coming to Mashpuri top, this is a very great place. This is a very nice place and beautiful. This Kari Saab is my friend and this Hamza is my friend. Is Shaleem. Shaleem. This is a very, actually very nice friend. I am talking to you about my not English language. Puri top bhai, aur drone nahi udaya. Pilot Saab. Uda rahe hain ji. Nikalo drone phir. ये वीडियो मैंने सिर्फ कैमरे से नहीं बल्कि अपने दिल से बनाई है। सिनेमैटिक शॉट्स, ड्रोन शॉट्स और बहुत सारा प्यार डालकर आपके सामने पेशे खिदमत है माई स्वैग गाइड टू गलियात। हम आपका स्वागत करते हैं स्वैग के साथ। हम आपका स्वागत करते हैं स्वैग के साथ। हम आपका स्वागत करते हैं फुल ऑन स्वैग के साथ। यार जाते जाते ना आसमान भी रो पड़ा है। सही है, मेरा दिल और आसमान दोनों रो रहे हैं।